नमस्कार, मैं नीलम स्पाइस बॉक्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ इमली गुड़ में बनी भिंडी, और इसके लिए लगने वाली सामग्री है भिंडी लगभग पाव किलो, बारीक कटी हुई, पिसा हुआ सिंग, पिसा हुआ नारियल, गुड़, इमली का पानी, कड़ी पत्ता, जीरा, राई, हिंग, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, गोड़ा मसाला, बारीक कटा हुआ धनिया, नमक, तेल और पानी आवश्यकता अनुसार। तो अब देखते हैं कैसे बनाते हैं इमली गुड़ में बनी भिंडी। एक पैन में ऑयल गर्म करने के लिए रखते हैं। इस भिंडी को धोकर पोंछ कर बारीक काटी गई है। तेल गर्म होने के बाद इसमें जीरा आधा चम्मच, आधा चम्मच राई, हिंग, सात आठ कड़ी पत्ता। अब इसमें डालते हैं हल्दी, लाल मिर्च और पिसा हुआ नारियल एक से डेढ़ चम्मच। डालकर धीमी आंच पर हिला लेते हैं। एक दो मिनट इसे पकाते हैं। तेल किस तरह छूट रहा है ये आप देख सकते हैं। अब हम इसमें डालने वाले हैं भिंडी। भिंडी डालने के बाद दो मिनट तक हमें इसे हिलाना है। अब दो मिनट के बाद आप देखेंगे कि भिंडी का रंग बदलने लगा है। अब इसमें हम इमली का पानी डालने वाले हैं। लगभग नींबू के आकार की इमली लेकर इसका रस निकालना है, क्योंकि हमारी आज की रेसिपी है इमली गुड़ में बनी भिंडी। अब इन्हें मिक्स करके इसमें लगभग एक कप पानी डालना है। एक कप पानी डालने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना गाढ़ा होता है, पतला होता है, उसके हिसाब से आप पानी और ऐड कर सकते हैं। अब आप ढक्कन ढककर सब्जी को स्टीम पर 5 से 7 मिनट तक पकने देते हैं। अब हमारी ये भिंडी पकने लगी है। अब सब्जी में एक चम्मच या 1 से 2 चम्मच पीसी हुई सींग, गुड़ और स्वादानुसार नमक डालते हैं। भिंडी की सब्जी में नमक डालते वक्त नमक थोड़ा कम डालें, क्योंकि भिंडी पानी सोख लेती है। अब सब्जी अच्छी तरह से मिक्स करके ढक्कन रखकर स्टीम पर 3 से 4 मिनट तक पका लेते हैं। मैंने गैस बंद कर दिया है। हमारी भिंडी भी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हमारी सब्जी तैयार है, इमली गुड़ में बनी भिंडी। अब मैं प्लेटिंग करती हूँ। गर्मा गर्म रोटी के साथ खाने के लिए तैयार है।